BEO बीएड परीक्षा पर घमासान, मुख्यमंत्री योगी को लिखे पत्र, सैकड़ों की संख्या में किए गए ट्वीट, रीट्वीट। नमस्कार, मैं कविता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं भी देती हूँ। तो चलिए, क्या है इस न्यूज हेडिंग की इनसाइड स्टोरी, जान लेते हैं। देश के गृह मंत्री कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और रविवार को कोरोना संक्रमण के कारण तकनीकी शिक्षा मंत्री का निधन हो गया। ये सभी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। ऐसे में जब प्रदेश की सड़कों पर लाखों की संख्या में आम अभ्यर्थी परीक्षा देने निकलेंगे तो उन्हें कोरोना से कौन बचाएगा। योगी छात्रों ने ये सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री को सैकड़ों की संख्या में ट्वीट और रिट्वीट किए, साथ ही पत्र लिखे हैं और मांग की है कि बीएड प्रवेश परीक्षा खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा समेत अगस्त में सभी परीक्षाएं कोरोना के बढ़ते संक्रमण तक स्थगित की जानी चाहिए। बीएड की प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को प्रस्तावित है, वहीं बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को होनी है। बीएड की प्रवेश परीक्षा में तकरीबन 5 लाख और बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा में 5.5 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना है। प्रांतीय सिविल सेवा मार्गदर्शक दुर्गेश सांडिल्य के नेतृत्व में प्रतियोगी छात्रों ने रविवार शाम 4 से 7 बजे तक उत्तर प्रदेश का प्रतियोगी मांगे प्राण की भीख अभियान चलाकर मुख्यमंत्री को सैकड़ों की संख्या में ट्वीट रिट्वीट किए। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के निवर्तमान उपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर और CMP डिग्री कॉलेज छात्र परिषद के पूर्व अध्यक्ष करण सिंह परिहार ने राज्यपाल को ट्वीट करके बीएड प्रवेश परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग की। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जरा सी गलती पर लोग कोरोना संक्रमित हो जा रहे हैं। ऐसे में जब लाखों छात्र परीक्षा देने निकलेंगे और परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों की भीड़ जुटेगी तो ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ेगा। बेरोजगार युवा भी चाहते हैं कि परीक्षाएं समय से हो, नौकरी जल्दी मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छात्रों की जान को खतरे में डाल दिया जाए। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच छात्र मानसिक रूप से भी परीक्षाएं देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में छात्रों को की सुरक्षा और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं स्थगित करना ही उचित है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आपके विचार अपने फीडबैक के रूप में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन, ओके बाय।